हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की अकाउंटेंसी। और क्लास 12th की अकाउंटेंसी में हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। हमने एप्रोप्रिएशन पढ़ लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन पढ़ा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है वो भी पढ़ लिया है, और उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन भी पढ़ा कि हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब नेक्स्ट टॉपिक जो उसने पढ़ना है छोटा सा है, ठीक है, छोटी सी वीडियो होगी। एक पॉइंट है सैलरी और कमीशन ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स को अगर कोई सैलरी या कमीशन पे की जा रही है, अगर वो बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, पार्टनरशिप फर्म में वो कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें कुछ सैलरी या कमीशन दिया जाता है। तो सैलरी या कमीशन का कैलकुलेशन है और उसकी एंट्री कैसे करनी है उसका एक क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद ये वीडियो होगा खत्म, क्योंकि अगले वीडियो में हमें पढ़ना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि इससे थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है और उसके क्वेश्चंस भी करने हैं हमें, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सैलरी और कमीशन। सैलरी और कमीशन है क्या? सैलरी या कमीशन जब भी कोई पार्टनर फर्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, डायरेक्ट वो वर्क कर रहा होता है, जो वर्क है हम कह सकते हैं जो वर्किंग पार्टनर है उसको जो रेमुनरेशन दिया जाता है वो एज अ सैलरी और कमीशन पे किया जाता है। तो सैलरी के लिए तो नॉर्मली आपको पर मंथ दे दिया, जैसे आपको दे दिया कि सैलरी दे दिया कितना ₹1000 per month दे दिया, है ना, या क्वार्टरली दे दिया, या फिर आपको ईयरली दे दिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। मंथली दिया है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वार्टरली है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई एनुअल है तो डायरेक्ट जितना दिया होगा उतना लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन प्रॉब्लम आती है कमीशन के कैलकुलेशन में। तो कमीशन के कैलकुलेशन के लिए देखिएगा दो कंडीशन दिया होता है। दो कंडीशन क्या दिया है, ठीक है, एक होता है बिफोर चार्जिंग कमीशन और एक होता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो पहला कंडीशन जो दिया है, पहला कंडीशन, ठीक है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब कि जिस भी प्रॉफिट पे हमें निकालना है, प्रॉफिट कोई भी हो सकता है, नेट प्रॉफिट भी बोल सकता है ना, या और कुछ इंटरेस्ट, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल सकता है, आफ्टर सैलरी बोल सकता है, कुछ भी दिया हो सकता है आपको, नेट प्रॉफिट में भी कमीशन बोल सकता है ना, कि मान लो एक्स और वाई पार्टनर है तो एक्स को सैलरी कमीशन कितना मिल रहा है, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग हिज सैलरी या सब सैलरी और कमीशन, ऐसे आपको लिखा होगा। तो उस कंडीशन में जो भी प्रॉफिट दिया होगा, ठीक है, तो प्रॉफिट यहां पे लेंगे हम नेट प्रॉफिट। अब जो नेट प्रॉफिट होगा, लेकिन किसके, बिफोर कमीशन जो होगा वो प्रॉफिट लिया जाएगा, बिफोर कमीशन इंटू रेट अपॉन 100। डायरेक्ट ये आपको कर देना है, जितना भी रेट दिया हो, जो भी परसेंटेज दिया हो, रेट का मतलब रेट ऑफ कमीशन, जिस परसेंटेज पे कमीशन कैलकुलेट करने के लिए कहा उस परसेंटेज पे कैलकुलेट कर लेना है। दूसरा तरीका क्या है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में यहां पे भी हमारा नेट प्रॉफिट ही होगा, बिफोर कमीशन लिया जाएगा, नेट प्रॉफिट यहां भी बिफोर कमीशन ही होगा, लेकिन यहां पे रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाएगा। अब 100 प्लस रेट क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे जो डिनोमिनेटर होता है ये हम कितना मानते हैं कि यहां पे जो वैल्यू दी गई है उसका परसेंटेज है, मतलब नेट प्रॉफिट अगर 100 है तो उसमें से कितना निकाल के हमें देना है वो रेट डिसाइड कर देता है, ठीक। तो अगर ये नेट हमें कमीशन किसमें निकालना है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, उसके कमीशन को निकालने के बाद, तो यहां पे तो निकाला है नहीं हमने, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन को 100% लेना है, तो अगर इसमें से कमीशन नहीं निकाला है, तो कमीशन अगर नहीं निकाला तो कमीशन का पैसा भी तो प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है, तो ये जो होगा यहाँ पे ये क्या होगा, इंक्लूडिंग कमीशन है, और नेट प्रॉफिट जो कमीशन से पहले का हो, ठीक है,
तो यहाँ पे कैलकुलेट आफ्टर चार्जिंग मतलब नेट प्रॉफिट कौन सा होगा, आफ्टर कमीशन होगा नेट प्रॉफिट। तो अगर आफ्टर कमीशन 100% है तो बिफोर कमीशन कितना होगा। जैसे मान लो कि अगर किसी को पैसा देने के बाद 100 रुपए बचता है और हमने उसको 10 रुपए दिया, तो उसको पैसा देने से पहले कितना था, 110 रुपए तो था हमारे पास। तो उसी तरीके से अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है कि कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट है उस पे कमीशन निकालना है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकालना आफ्टर पे है और बिफोर दिया है मतलब इसमें भी कमीशन जुड़ा हुआ है, तो हम जो परसेंटेज होगा वो इंक्लूडिंग कमीशन का होगा, तो इसीलिए रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर दिया जाएगा, ठीक है। और अब इसकी एंट्री देखते हैं, एंट्रीज की क्या होती है, जर्नल एंट्री एक बार बता दिया है फिर से बता देते हैं। जर्नल एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो जब हम सैलरी या कमीशन अलाउ करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी और पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। सबसे पहले तो अलाउ करेंगे और अगर फिक्स होगा तो करंट अकाउंट लिखेंगे, फ्लैक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल अकाउंट। और दूसरी एंट्री क्या होगी, इसको एप्रोप्रिएशन में हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। अब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट क्यों हो गया वो भी बता रहे हैं अभी, पहले यहाँ पे एंट्री कंप्लीट कर दें, पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट, सैलरी और कमीशन अकाउंट। अब यहाँ पे ये डेबिट क्यों हुआ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि जो यहाँ पे पार्टनर्स की सैलरी या कमीशन है वो क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन मतलब जो भी प्रॉफिट होगा नेट प्रॉफिट फर्म का उसमें से फर्म पार्टनर को पे करेगा, तो फर्म के लिए हुआ एक्सपेंस और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, इसीलिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट को एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या किया गया, डेबिट किया गया। तो ये तो थी इसकी एंट्री। अब इसके हम कर लेते हैं एक क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 रिस्पेक्टिवली। ए इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹110,000, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू ए। सिंपल सा क्वेश्चन है, करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं हमें क्या निकालना है, एज कमीशन निकालना है। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपको नेट प्रॉफिट पे दिया है मतलब बिफोर चार्जिंग है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100, इंटू रेट अपॉन 100। तो नेट प्रॉफिट हमको दे रखा है 110,000 और रेट दे रखा है 10%, तो 10 अपॉन 100 ये कितना हो जाएगा, 11,000 रुपीज हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कमीशन निकालने का। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, एज पर पार्टनरशिप डील जेड इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आ गया, द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज ₹220,000। तो देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना दिया, 220,000 दिया है, और हमें किसका निकालना है यहाँ पे, जेड का, तो जेड्स कमीशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड्स कमीशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन दिया है इंटू रेट तो होगा ही होगा, अपॉन क्या करेंगे, 100 तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जिस प्रॉफिट पे निकालना है, जो लिखना है हमें यहां पे नेट प्रॉफिट, वो क्या होगा, आफ्टर चार्जिंग कमीशन मतलब कमीशन माइनस करने के बाद, और हम सिर्फ नेट प्रॉफिट मानते हैं, जिस प्रॉफिट पे हमें कैलकुलेट करना हो वो 100% होगा, तो यहाँ पे वो प्रॉफिट तो दिया नहीं, बिफोर दिया आफ्टर 100 होगा, यहाँ पे बिफोर दिया मतलब इसमें कमीशन का पैसा जुड़ा है, तो 100 प्लस क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा, जितना परसेंट कमीशन उतना इसमें ऐड है,
तो ये कितना दे रखा है हमको, 2,20,000 नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, रेट 10% है और 100+10, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2,20,000 इंटू 10/110, जीरो कैंसिल हो गया, 11×2=22, यानी आ गया कितना हमारा 20,000 रुपीज आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन एक और देख लेते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एज 4:3:2:1 रिस्पेक्टिवली, इट अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, एज पर द पार्टनरशिप डीड दे आर टू चार्ज अ कमीशन एट दे आर, मतलब वे सब मिल के चार्ज करते हैं अ कमीशन एट 20% ऑफ द प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर आ या फिर वही उनको रेट अपॉन 100+ रेट करना होगा, विच दे विल शेयर एज 2:3:2:3, मतलब वो 20% कमीशन चार्ज करेंगे आफ्टर कमीशन जो भी होगा, और उस जो कमीशन आएगा उसे आपस में बांटेंगे 2:3:2:3 में। यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर्स, प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन हमें दिखाना है, तो प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन दिखाने के लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है, तो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, और ये बन गया हमारा फॉर्मेट, ये हो गया पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। तो यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट दिया है प्रॉफिट क्रेडिट में होता है हमेशा एप्रोप्रिएशन के, लॉस के अंदर होता है डेबिट में। प्रॉफिट कितना दिया है 1,80,000 दिया, लिख लिया। हमें कमीशन चार्ज करना है तो टू कमीशन, अब एक पार्टनर होता तो नाम लिख के लिख लेते, एक तो है नहीं, एक से ज्यादा लोगों को मिल रहा है, तो ए बी सी डी है, ए बी सी डी ये हो गया। अब पहले तो हम निकाल लें कमीशन, तो कमीशन अगर हम निकालेंगे तो कमीशन कितना हो जाएगा यहां पे, क्योंकि तो सबका है, तो कमीशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है 1,80,000 इंटू रेट कितना 20%, और कहा है आफ्टर चार्जिंग बोला है, तो यहां पे क्या होगा 100+ रेट, तो 100 और प्लस रेट कितना है 20, यानी 120 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 6 12 और 6 3 18 कितना आया 30,000 आया, तो कमीशन टोटल आया 30,000, और इसको 2:3:2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2:3:2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कितना हो जाएगा, हमने डिवाइड करने के लिए आपको बताया है कि जिस भी अमाउंट को डिवाइड करना हो पार्टनर्स के बीच में उनके रेशियो में, सबसे पहले उसे सम ऑफ रेशियो से डिवाइड कर लीजिए, तो 2+3+2+3 कितना हो गया 10 हो गया, तो ये कितना आया अमाउंट 3,000। अब जिसका जितना शेयर हो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9 ये हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे इसका टोटल, और टोटल में देखिए क्या है, क्रेडिट साइड का टोटल है 1,80,000, यहां पे बच कितना रहा है 1,50,000, डेबिट में बैलेंस है, ये क्या है प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट का टोटल ज्यादा हो और डेबिट का कम, तो जितना अमाउंट डेबिट में कम पड़ रहा है लिख लेंगे, और वही डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे टू प्रॉफिट, शॉर्ट में लिख देते हैं थोड़ा, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ए बी सी डी। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो 1,50,000 है
ये किस रेशियो में डिवाइड होगा? प्रॉफिट के रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2:1 है। A:B:C:D=4:3:2:1 है, और प्रॉफिट कितना आया है यूजबल 1,50,000। फिर वही प्रोसेस सम ऑफ रेशियो से डिवाइड करेंगे तो सम ऑफ रेशियो कितना आएगा 4+3+2+1 10, और ये कितना आया 1000, फिर ये 15,000। अब 15,000 का जिसका जितना है निकाल लो, 15 4 60, तो ये हो गया 60,000। इसका कितना आएगा 15 3 45,000, 15 2 30,000, और इसका कितना हो जाएगा 15 1 15। तो ये तो था हमारा इंटरेस्ट, ये सैलरी और कमीशन के लिए छोटा सा पॉइंट था, यहीं पे हुआ खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए पढ़ेंगे। थैंक यू।